स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड प्रोज का एक चैप्टर जिसका नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया और इसके राइटर हैं एल बासम। यह लेसन नंबर 7 है। इस लेसन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। एल बासम के बारे में मैं बता दूं कि इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। जीवन के आखिरी एक दो साल इन्होंने इंडिया में गुजारा था और एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इस लेसन में उन्होंने गांधी जी के बारे में भी अपनी राय दी है। ऐसे तो गांधी जी के बारे में काफ़ी सही बातें इन्होंने कहीं, लेकिन इन्होंने गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन हिंदू धर्म या हिंदू की जो परंपरा है वह अहिंसावादी नहीं रही है। इस विषय में उन्होंने अपने तर्क भी दिए हैं। मैं उन तर्कों का समर्थन नहीं करता हूं अपने स्तर पे, क्योंकि हिंदू अगर सचमुच अहिंसावादी नहीं होते तो हमारे देश हिंदुस्तान में लुटेरे या व्यापारी आकर महान या फिर बादशाह नहीं बन जाते। खैर, यह मेरे अपने विचार हैं। मैं लेखक के इस विचार से, जो हिंदू को अहिंसावादी नहीं मानता है, का समर्थन नहीं करता हूं। अब हम आते हैं लेसन पे। राम मोहन राय had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. Sounded the theme का अर्थ होता है नए युग की शुरुआत। Passionate का अर्थ है सशक्त। Advocacy का अर्थ होता है वकालत करना या समर्थन देना। राम मोहन राय had sounded the theme with passionate advocacy of social reform. समाज सुधार के लिए राम मोहन राय ने एक सशक्त समर्थन दिया था और एक नई शुरुआत की थी। अपने सशक्त समर्थन के द्वारा समाज सुधार की एक नई शुरुआत की थी। विवेकानंद रिपीटेड इट विथ ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। विवेकानंद ने इसको दोहराया, समाज सुधार को और सुधारा। समाज सुधार की जो प्रक्रिया थी उसमें अपना योगदान दिया, लेकिन वह कुछ और ही ज़्यादा राष्ट्रीय स्वर में समाज सुधार के प्रयासों को आगे ले गए। When he declared that the highest form of service of great mother was social service, जब उन्होंने इस बात की घोषणा की, इस बात को कहा, that the highest form of service of great mother, मातृभूमि की जो सबसे बड़ी सेवा है वह है समाज सेवा। जब विवेकानंद ने यह कहा कि मातृभूमि की सबसे बड़ी सेवा समाज सेवा ही है, तो उन्होंने राम मोहन राय के समाज सुधार के प्रयासों को दोहराते हुए एक राष्ट्रीय स्वर में अपनी बात कही। टिम्बर का अर्थ होता है स्वर, तो उन्होंने राष्ट्रीयता के स्वर में, विवेकानंद जी ने राष्ट्रीयता के स्वर में कहा कि मातृभूमि की सेवा ही समाज सुधार की, क्षमा कीजिएगा, समाज सेवा करना ही मातृभूमि की सच्ची सेवा है या सबसे बड़ी सेवा है। अदर ग्रेट इंडियन चीफ ऑफ होम वाज महात्मा गांधी। दूसरे महान भारतीय भी हैं जो समाज सुधारक रहे हैं, उनमें से जो मुख्य हैं वे हैं महात्मा गांधी। डेवलप्ड द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी। उन्होंने समाज सेवा की एक ऐसी रूपरेखा विकसित की, थीम का मतलब है रूपरेखा, जो धार्मिक कर्तव्य के रूप में मानी गई। समाज सुधारकों में, यही कहिए कि दूसरे महान भारतीय समाज सुधारकों में महात्मा गांधी सबसे मुख्य हैं, सबसे प्रमुख हैं।
उन्होंने धार्मिक कर्तव्य के रूप में समाज सेवा की एक नई रूपरेखा विकसित की एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधी सक्सेसर। और यह जो समाज सेवा होती गई, समाज सुधार होता गया, वह गांधी जी के अनुयायियों के देखरेख में हो रहा है एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज। और यह विकास, समाज सुधार का विकास होता रहा अंडर गांधी जी सक्सेसर, गांधी जी के अनुयायियों के देखरेख में। सक्सेसर का अर्थ तो ऐसे वंशज होता है, पर यहाँ वंशज से नहीं है बल्कि अनुयायियों से हैं। तो गांधी जी के अनुयायियों में समाज सेवा होती रही, समाज सुधरता रहा। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाई मेनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियंस एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। लुक्ड ऑन का अर्थ होता है समझा जाता है या माना जाता है, एपिटोम का अर्थ है प्रतीक। प्रायः महात्मा गांधी को कई तरह से समझा जाता है या माना जाता है, भारतीयों के द्वारा भी और यूरोपियन के द्वारा भी, कि गांधी जी हिंदू परंपरा के प्रतीक हैं। बट दिस इज ए फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह एक गलत निर्णय है, गलत धारणा है। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वे तो पश्चिमी विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशियंट कल्चर। गांधी जी अपने प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड हिज एंटीपैथी टू कॉस्ट। पैशनेट लव मतलब होता है अत्यधिक प्यार या अत्यधिक लगाव, अंडरडॉग मतलब गरीब लोग, एंटीपैथी का अर्थ है घृणा, कास्ट का अर्थ है जातीयता या जाति। लेकिन उनका जो अत्यधिक प्यार था वह गरीबों से था और जातीयता से नफरत करते थे, घृणा करते थे। दो नॉट अनप्रीसीडेंट इन एंशियंट इंडिया, जबकि यह प्राचीन भारत में ऐसा नहीं होता था। वेयर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम एंड ऑड मोर टू यूरोपियन 19th century। और वेयर अनऑर्थोडॉक्स इन एक्सट्रीम, वे रूढ़िवादीता के विपरीत थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, अनऑर्थोडॉक्स का अर्थ होता है रूढ़िवादिता के विपरीत या रूढ़िवादिता का विरोध करने वाले थे। इन द एक्सट्रीम अत्यधिक, वे रूढ़िवादिता का अत्यधिक विरोध करने वाले थे। एंड आउट मोर ऑन यूरोपियन, आउट का अर्थ होता है कर्ज। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि गांधी जी यूरोपियन से प्रभावित थे, 19th century लिबरलिज्म का अर्थ है उदारीकरण। तो 19वीं शताब्दी के उदारीकरण जो हुआ था यूरोप में, उससे गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। देन टू एनीथिंग इंडियन, किसी भारतीय की तुलना में, अर्थ है कि भारतीय परंपरा से प्रभावित न होकर गांधी जी यूरोपियन के उदारीकरण से प्रभावित थे। हिज फेथ इज नॉन वायलेंस वाज एस वी हैव सीन बाई नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, उनका जो अहिंसा में विश्वास था, एस वी हैव सीन, जैसा कि हम जानते हैं, बाई नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, ऐसा हम हिंदू की परंपरा में, हिंदुवादिता में नहीं पाते हैं। हिज प्रीसीडेसर इज रिवॉल्ट, उनके जो अग्रज थे, उनके जो पूर्वज थे, वे रिवॉल्ट थे, आंदोलनकारी थे, मतलब हिंसक थे। द एबल मराठा ब्राह्मण बी जी तिलक एंड गांधी जी इम्पेशेंस लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस। उदाहरण के रूप में
लेखक कह रहा है कि जो योग्य मराठा बाल गंगाधर तिलक थे और गांधी जी के जो सिपा सलार या लेफ्टिनेंट थे, और अधीर वर्ड अधीर शब्द भी यूज किया गया है लेखक के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के लिए, तो लेखक अपने बातों को बल देने के लिए कहा है कि गांधी के जो पूर्वज थे वे आंदोलनकारी थे, जैसे कि योग्य मराठा बाल गंगाधर तिलक और अधीर सिपा सलार जो थे महात्मा गांधी के सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के लिए अधीर शब्द भी मुझे खटक रहा है। वी आर फार मोर ऑर्थोडॉक्स इन हिज रिस्पेक्ट, ये सभी ज़्यादा रूढ़िवादी थे अपने परंपरा के अनुसार। फॉर गांधी जी पेसिफिजम वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑफ माउंट, गांधी जी की शांतिवादिता को जानने के लिए, शांति के विचारों को समझने के लिए वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट, हमें देखना होगा ईसा मसीह के उपदेश को। सरमन ऑन माउंट का अर्थ है कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने जो उपदेश दिया था कि ईश्वर मुझे सजा देने वालों को क्षमा करें, तो उस उपदेश को देखा जा सकता है, क्योंकि गांधी जी भी कहा करते थे कि कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरी गाल पे भी चाटा मारने का अवसर उसे दे दो। एंड टू टॉलस्टॉय, और टॉलस्टॉय को देखना होगा, समझना होगा, उनके विचारों को जानना होगा, क्योंकि गांधी जी टॉलस्टॉय या सरमन ऑन द माउंट से प्रभावित थे, यूरोपियन से प्रभावित थे। हिज चैम्पियन ऑफ वीमेन्स राइट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, चैम्पियनिज्म का अर्थ है बचाव करना या सुरक्षा देना या वकालत करना, तो उनका जो वकालत था या जो वे चाहते थे कि औरतों को उनका अधिकार दिया जाए, वह भी पश्चिमी संस्कृति या पश्चिमी प्रभाव का असर था। गांधी जी औरतों के अधिकार की जो वकालत करते थे वह भी पश्चिमी संस्कृति का, पश्चिमी प्रभाव का ही असर था। इन हिज सोशल कॉन्टेक्स्ट ही वॉज ऑलवेज रेदर एन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव, अपने सामाजिक प्रसंगों में, कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है प्रसंग, अपने सामाजिक प्रसंगों में ही वॉज ऑलवेज रेदर देन इनोवेटर देन ए कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी, और इनोवेटर का अर्थ होता है नवनिर्माण करने वाला, तो अपने सामाजिक प्रसंगों में वे रूढ़िवादी न होकर नवनिर्माण करने वाले थे। दो सम ऑफ हिज कलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू बी टू स्लो, यद्यपि उनके कुछ सहकर्मी, कलीग का अर्थ होता है सहकर्मी या साथ काम करने वाले, थॉट सोचा करते थे हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, उनका जो प्रोग्राम है, उनका जो कार्यक्रम है, वह केवल कुछ सीमित दायरे में है। लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, उनका जो प्रयास है वह सीमित समाज सुधार का है और बहुत ही धीरा है। ही सक्सीडेड इन शिफ्टिंग द होल इम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट टूवर्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्विलेटेरियन सोशल ऑर्डर, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गए इन शिफ्टिंग, परिवर्तित करने में द होल इम्फेसिस ऑफ हिंदू थॉट, हिंदुओं की पूरी सोच को एक प्रभाव के साथ बदलने में सफल हो गए, टूवर्ड्स ए पॉपुलर एंड इक्विलेटेरियन सोशल रिफॉर्म्स, एक लोकप्रिय और समानता के रूप में। वह हिंदुओं का जो विचार था, पूरा विचार, पूरा प्रभाव जो था समाज में, उस पूरे विचार को, पूरे प्रभाव को एक नए और लोकप्रिय, जिसको समानता के अधिकार कहते हैं, में बदलने में सफल हो गए। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, और हिंदुओं की उस विचारधारा को बदले, नए विचारधारा में लाए, समानता में लाए, जहाँ पे हर कोई समान था, उस स्थान पे जहाँ पे कि जातीयता और वर्ग, जो कि जातीयता और वर्ग में बटा हुआ था, तो गांधी जी हिंदू
हिंदुओं के उस विचार को जो जातीयता और वर्गों में बटा हुआ था, एक नए और लोकप्रिय समाज के रूप में, जिसे समानता का अधिकार के रूप में या समान अधिकार वाले समाज के रूप में जाना जाता है, में बदलने में सफल हो गए। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नन 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर आफ्टर सेंचुरी ऑफ स्टेग्नेशन। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मेनी लेस वेल नन, लेस वेल नन का अर्थ है कम प्रसिद्ध 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स। 19वीं शताब्दी के कुछ कम प्रसिद्ध सुधारकों का अनुसरण करते हुए गांधी जी और उनके अनुयायी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को एक नई धारा, एक नया जीवन दिया। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टेग्नेशन, शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद, तो पूरे वाक्यांश का अर्थ होगा कि शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद गांधी जी और उनके अनुयायी, जो 19वीं शताब्दी के सुधारकों से प्रभावित थे और उनका अनुसरण करते हुए गांधी जी और उनके अनुयायी जो इंडियन कांग्रेस के थे उन्होंने निष्क्रिय हो चुके भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म को एक नया जीवन और एक नई दिशा दी। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस व्हाट एवर दे क्रीड हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर। आज कुछ भारतीय हैं जिनका धर्म कुछ भी हो, क्रीड का अर्थ होता है धार्मिक विश्वास, जिनका धर्म कुछ भी हो, हु डू नॉट लुक बैक विथ प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर, जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से नहीं देखते। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाई सम ऑफ इट्स इफेक्ट एलिमेंट सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस। और कुछ यहाँ पर इंटेलिजेंट इंडियंस भी हैं, पढ़े लिखे भारतीय भी हैं, बुद्धिजीवी भारतीय भी हैं, जो तैयार नहीं हैं, किस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं, इफिट एलिमेंट्स, कमजोर कारकों, इफिट का अर्थ होता है कमजोर, एलिमेंट का अर्थ है कारक, तो अपने कमजोर कारकों का बलिदान करने के लिए तैयार नहीं हैं, ताकि उनका अगर बलिदान कर दिया जाए तो भारत विकसित हो, आगे बढ़े। तो कुछ पढ़े लिखे भारतीय भी हैं जो अपनी कमजोर कारकों को, कमजोर संस्कृति को त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं, जो कि भारत के विकास के लिए आवश्यक है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स विथ ग्रेट डिफिकल्टी। राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है और मुश्किलों में है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर, और कोई भी हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बता सकता विथ एनी सर्टेनिटी, निश्चितता के साथ भारत का भविष्य कोई भी नहीं बता सकता। बट इट इज सेफ टू प्रिडिक्ट दैट, लेकिन इस बात इतना तो भविष्य बताया जा सकता है, इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, लेकिन इतना भविष्यवाणी करना या इतना बताना सहज है या सुरक्षित है। वट एवर द फ्यूचर में बी द इंडियन अपकमिंग जनरेशन, भारतीयों का जो अगली पीढ़ी है, जो अगली पीढ़ी आ रही है, उनका भविष्य क्या होगा,
इसका भविष्य भारतीयों की आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा यह बता पाना संभव है। विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्सियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन। ये जो भारत की अगली पीढ़ी आ रही है वह अनकन्विंसिंग अर्थ है कि विश्वास न करने वाली एंड सेल्फ कॉन्सियस आत्म केंद्रित वह विश्वास न करने वाली और आत्म केंद्रित नहीं होगी यूरोपियन की तरह। तो भारत की जो अगली पीढ़ी आ रही है उनके बारे में इतना कहा जा सकता है कि अगली पीढ़ी यूरोपियन की तरह विश्वास न करने वाली और आत्म केंद्रित नहीं होगी। बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन। और जो अगली पीढ़ी होगी वे अपने परंपराओं से बधी होगी, परंपराओं से जुड़ी होगी। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और अपनी संस्कृति की निरंतरता के लिए, अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जागरूक रहेगी, सजग रहेगी। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, केवल आज़ादी के 7 साल बाद ही द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चर चौविनिज्म आर डिसअपीयरिंग। एक्सट्रीम ऑफ नेशनल राष्ट्रीयता के विरोध के जो अलग दो छोर वाले किनारे हैं, एक्सट्रीम का अर्थ होता है अत्यधिक, अत्यधिक दूर का किनारा, विरोध यहाँ पे विरोध से अर्थ है। सेल्फ डेनिग्रेशन का अर्थ है आत्मनिंदक, और यहाँ पे इसका भाव होगा कि अपने देश की, अपनी परंपराओं की निंदा करने वाले। फैनेटिकल कल्चरल कट्टर संस्कृत, फैनेटिकल का अर्थ होता है कट्टर, कल्चरल का अर्थ है सांस्कृतिक, चौविनिज्म का अर्थ होता है अंधभक्ति। तो राष्ट्र के दो विरोधी दल, एक वे जो आत्मनिंदक हैं, अपने देश की ही परंपराओं का विरोध करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, और दूसरा छोर या दूसरा विरोधी समूह जो अपनी संस्कृति को ही सब कुछ समझता है, अपनी धर्म के प्रति अंधविश्वास रखता है, ये दोनों ही गायब हो रहे हैं, जबकि आज़ादी के केवल 7 साल ही हुए हैं। वी बिलीव दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। हम विश्वास करते हैं कि जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है, इज इन एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। स्पेक्टुलर फीट ऑफ सिंथेसिस का है संश्लेषण का विशेष कार्य। तो हिंदू सभ्यता संश्लेषण का विशेष कार्य कर रही है। किस तरह का संश्लेषण कर रही है? इन द पास्ट हैज रिसीव्ड, जैसा कि हमने पूर्व में या भारतीयों ने पूर्व में किया है, एडॉप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर। एडॉप्टेड का मतलब होता है अपना लेना, डाइजेस्टेड का मतलब होता है समाहित कर लेना। तो जैसा कि पूर्व में भारतीयों ने अपना लिया या समाहित कर लिया दूसरी संस्कृतियों को, तो हिंदू संस्कृति दूसरी संस्कृतियों का संश्लेषण एक विशेष तरीके से कर रही है। दूसरी संस्कृतियों की जो चीज़ अच्छी लगी उसको अपने में समाहित कर रही है, जैसा कि इंडो यूरोपियन की संस्कृति, मेसोपोटामियन की संस्कृति, ईरानियन की संस्कृति, ग्रीक, रोमन, सीथियन, तुर्कीज, पर्सियन एंड अरब की संस्कृति। ये विदेशी आए भारत में और अपना प्रभाव भारतीयों पर छोड़े, इनमें जो अच्छी चीज़ें थी उसे भारतीयों ने स्वीकार लिया, समाहित कर लिया।